अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन सी टेबलेट के बारे में और आप इसको वाइट सी टेबलेट भी बोल सकते हो तो देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं क्या नुकसान है कितने के उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊँगा तो अगर आप ये विटामिन सी की टेबलेट लेते हो तो ये आपको वन में मिलेगी और ये जो है एल्डर फार्मा वालों की है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है अब इसको खरीदना कहाँ से तो देखिए जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हो तो देखिए ये एक सौ की है और प्राइस समय के अनुसार बढ़ सकता है अब इसके हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो देखिए ये विटामिन सी टेबलेट है लेकिन इसके साथ साथ इसमें जिंक भी है तो विटामिन सी को जो है आप एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हो और ये है इसमें 500 सौ एम जी में है। इसके अलावा इसमें जिंक है जो कि 7.5 पॉइंट में रहेगा तो देखिए विटामिन सी और जिंक का इसमें कॉम्बिनेशन है जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं अगर आप ही विटामिन सी की टेबलेट लेते हो तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे तो देखिए ये जो विटामिन सी और जिंक है ये काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट हैं और ये जो है एक प्रकार से एंटी ऑक्सीडेंट टेबलेट भी बोल सकते हो जो कि फ्री रेडिकल डेमेज से बचाती है और ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर है आपने अभी सुना होगा कि भाई विटामिन सी और जिंक लीजिए अगर आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है बढ़ाना है तो काफ़ी अच्छी जो है ये टैबलेट आपके लिए हो सकती है इसके अलावा ये जो है आयरन के एब्जॉर्बसन को भी बढ़ाती है मतलब अगर आपको खून की कमी रहती है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो क्योंकि देखिए अगर आप आयरन लेते हो लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है और इसके अलावा जो है ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है और अगर आपको कोई भी चोट वगैरह लगती है या फिर चोट लग चुकी है वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट को ले सकते हो इसके अलावा ये जो है आपकी हड्डियों के लिए अच्छी है हड्डियों को मजबूत करती है आपके दांतों को भी मजबूत करती है आपके बालों के लिए अच्छी है देखिए विटामिन सी और जिंक काफ़ी अच्छा होता है आपके बालों के लिए आपके बालों, लिए। आपके बालों को जो है ये मजबूत करता है अब इसके अलावा अगर आपको खाने में से टेस्ट नहीं आ रहा है आप खुद भी खाते हो लेकिन टेस्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में भी जो है फ़ायदेमंद होती है इसके अलावा आपके आँखों के लिए अच्छी है और ये जो है कुछ हद तक जो है भूख बढ़ाने का काम भी करती है ये टेबलेट। अब इसके अलावा अगर आपको दस्त वगैरह लग रहे हैं तो दस्त में भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद जो है विटामिन सी की टेबलेट होती है विटामिन सी और जिंक इसके अलावा आप वायरस से बच सकते हो और आज की डेट में वायरस बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि ये जो है आपका इम्यूनिटी बढ़ाती है जिस कारण जो है वायरस आप में इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाता है अब देखिए मेल को अगर इनफर्टिलिटी की शिकायत है जो पुरुष होते हैं वो भी इसको ले सकते हैं फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है और जो डायबिटीज़ है जिनको जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी जो है ये टेबलेट होती है इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी हुई थी या फिर कोई सर्जरी हुई थी तो उसके बाद आपने देखा होगा आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और आपके टिश्यू के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छी जो है ये टैबलेट है तो देखिए मेन मेन फायदों के बारे में मैंने आपको बता दिया है तो ये जो विटामिन सी और जो जिंक है ना ये काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं अब हम डोज के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक टैबलेट आपको सुबह लेना है एक टैबलेट आपको शाम को लेना है और इसको आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हो खाना खाने के बाद भी ले सकते हो बस आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए और सिंपल जो है इसको आप पानी के साथ ले सकते हो और मेल फ़ीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं लेकिन बच्चों के बारे में बात करूं तो बच्चे जो हैं अगर 12 साल के हैं या बारह साल से बड़े हैं तो एक टैबलेट केवल एक दिन में एक ही बार लीजिए और ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं देना है देना भी है तो डॉक्टर की सलाह से और जो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं देना है क्योंकि प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के सलाह करे बिना कोई भी मेडिसिन को नहीं खाना होता है और ये जो है चूसने वाली जो है टैबलेट है आप चाहें तो इसको चूस भी सकते हैं या फिर पानी से भी सॉल्व कर सकते हैं अभी इधर मैं साइड इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो साइड इफेक्ट में जैसे कि आपको नोजिया टाइप लग सकता है उल्टी जैसा या फिर हेड हो सकता है या फिर आपको सही तरीके से नींद नहीं आ रही है या फिर आपके सीने में जलन होती है ऐसा कुछ भी लगता है हेल्थ में इशू तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं अभी इधर कोई पहले से आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो देखिए मल्टीविटामिन आप ले सकते हो लेकिन आप देखिएगा कि विटामिन सी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है अच्छा खासा विटामिन सी दिया हुआ है 500 सौ में तो क्या हो सकता है कि आपको ओवरडोज हो सकता है इसलिए आपको थोड़ा देख लेना पड़ेगा बाकी आप मल्टी विटामिन की कोई भी कैप्सूल मेडिसिन ले सकते हो आप कब तक लेना है तो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है हालांकि आप इसको एक से दो महीना लेकर देखें और रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए सात से दस दिन आप लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा अब इधर में कुछ एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप ही विटामिन सी की टेबलेट लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है जंक फूड नहीं खाना है ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है और पानी ज़्यादा पीजिए पानी काफ़ी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए और आप फ़ाइबर वाला खाना खा सकते हैं सलाद खा सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फ्रूट्स को ना खाएं इसके अलावा आप एक्सरसाइज करते रहें और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट वॉकिंग करें तो देखिए इससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा खासा है स्ट्रॉन्ग रहता है और साथ में जो है आप इस विटामिन सी और जिंक की टैबलेट लेते जाएं तो देखिए अगर आपको कोई दूसरी कंपनी की लेना है तो वो भी ले सकते हो मैं उनके लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में तो उधर से क्लिक करके आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन मंगा सकते हो तो मेरा वीडियो देखिए ख़त्म होता है और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हो और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन